सो लेट्स बिगिन। हमारी दिन की बिगनिंग कॉफी से स्टार्ट होती है, लेकिन कॉफी पे एंड नहीं होती है, डिनर पे होती है, जैसे आप सबको पता है। एंड आज का जो ब्लॉग होने वाला है, ये एक ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाला है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए एक मेरा पहला माइलस्टोन कंप्लीट होने वाला है। पहला तो नहीं एक्चुअली, क्योंकि मेरा पहला वाला जो ब्लॉग था वो डिलीट हो चुका है ड्यू टू माई SD कार्ड करप्टेड। हाँ, तो अभी सीन चेंज होने वाला है, अभी सीरीज बनने वाला है विथ बेस्ट एडिटिंग। What's up loving people, hope adding on life, welcome to the Roshan's Kitchens blog with the man Samal, let's start the blog. और मैं कुछ इसी तरीके से मैं अपना DSLR का बैटरी भूल गया था, जो कि ये यहाँ था, और फिर से मैं यहाँ आया था और रिटर्न लेके फिर से गया था। मैं क्या ही कर सकता। सो गाइस, इन बिटवीन वी हैव टेकन ए स्टॉपेज। राइड करते करते यार भूख काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, तो हमारे जितने भी गाइस है कुछ ना कुछ खा रहे हैं, जैसे कि वासु गुपचुप खा रहा है, यहाँ हमारे चाट समोसा चाट खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं, उपमा खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। तो हैव ए लुक ऑन दैट। गोइंग टू हैव आवर पान, और ये काफ़ी डिलीशियस बना है, और स्पेशली इसने बासु ने बनाने का इसका ऑर्डर दिया था। सो लेट्स चीयर्स द पान। चीयर्स। चीयर्स। सो यहाँ से विदाउट डिले करते हुए
मैप चालू करके डायरेक्ट टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ये रीच टू अवर डेस्टिनेशन और ये है क्या है कोयली गुफा। तो हम लोग नीचे चलेंगे, वहाँ पे वाटरफॉल है, आपको वाटरफॉल का भी सीन दिखा दूंगा। एंड इवन वी आर प्लानिंग टू मेक मैगी हियर और वो मैगी बनाएंगे एंड देन वी विल हैव दैट मैगी साथ में, ठीक है। सो लेट्स गो, चलते हैं नीचे डायरेक्टली द बेस्ट विंग प्लेस ऑफ कोयली गुफा। यहाँ फिर से शानदार नज़ारा मिलने वाला है आपको। हमारे यहाँ अमित और कौसम्बिक, यहाँ पे हमारे जितने भी सारे आइटम्स एंड सामान हैं, जूता है, यहाँ पे सबका रखवाली कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जा रहे हैं नीचे कुछ सीन दिखाने। फाइनली वी हैव टेकन आवर बाथ फ्रॉम आवर स्ट्रीम। वहाँ झरना से हम लोग गए नीचे की ओर और वहाँ पे हम लोग नहा धो लिए, आराम से भी फ्रेश हो चुके हैं। और हमारे दो बंदे यहाँ पे जो थे, अमित एंड कौसम्बिक, मैगी बना लिए थे। क्वालिटी वाला मैगी, दिस इज द गॉड ऑफ एनीबॉडी, हैव अ चड्डीबाडी। प्रजा प्रजा बस और प्रजा ताकर कोनिया छाड़ी गई छे बो। हाँ तो मेरे लविंग पीपल, डायरेक्टली हमारा सीन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड आप जरूर प्रश्न हो गए होंगे मेरे इस ब्लॉग को देख के, एंड मेरा एम यही होता है एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन को मिला के एक ब्लॉग बनाओ आप सबके लिए। एंड ब्लॉग को एंड करने से पहले एक टकटा बड़कता डायलॉग, यू कांट गेट गुड बाय स्टेइंग होम, इफ यू वॉन्ट टू गो फार यू हैव टू गो फार वेयर फार गाइस आर।